चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और शराब भी पीते हो? शराब तो कभी कदार 6 महीने में कहीं एक बारी। शाबाश बेटा। क्या नाम है बेटे का? संदीप। संदीप, ये शराब पीता है बच्चा? हम मेरे सामने तो नहीं पीता। आप चाहते हो ये शराब पिए? नहीं। नहीं चाहते, खुद क्यों पीते हो? तो देख के दिल नहीं मानता है। एहे, रहा नहीं जाता। में छुट्टी करते बोलते चलो यार 100 ग्राम हो जाए। मैं कहा चलो। अरे वाह, 100 ग्राम हो जाए, इससे क्या हो जाता 100 ग्राम से? और ग्राम शराब कितने की आती है? नहीं, कुछ गरीबों को भी दान करता हूँ हर महीने, 1000-2000 उड़ा देता रहता हूँ। ये बात नहीं, लंगल लंगल लगाते रहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तू इसको पकड़ के लाया या ये तेरे को पकड़ के? क्या करूँ इसका। तो आप शराब पीते हो? नहीं, मैं तो महाराज जी इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैंने शराब से और गांजे दारू से मैंने बहुतों के घर उजड़ते हुए देखा है। उनमें एक आपके पिताजी भी। यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु, यीशु, यीशु मतलब ईसा मसीह। आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरु जी। कहाँ है पति? गुटका छोड़वा गुरु जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? तो पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं गुटका। कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हैं। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटका खाते हो? रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है रजनीगंधा? कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटका उटका खाना सही है? पहले ये बताओ। हाँ सही है। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ गुरुजी। इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने 10 बार मार चुकी है गुरुजी। बात कराओ बेटी। मेरे 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। बल्कि गुरुजी, अच्छा बात कराओ, चलो बाप को भी मार दी गुरुजी। अरे बात तो कराओ, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया, लड़की थी। आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए मारती हूँ। और कुछ नहीं यार, मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कितने बच्चे हैं कुल? हमारे 24 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं उसमें और कितनी लड़कियां हैं? हमारे 8 बेटियां हैं, 16 बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनके? जी एक नंबर दो नंबर करके बुलाते हैं, और बाकी उनका का नाम अलग है। अच्छा, क्या नाम आपने बताया अभी? एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर। और उन लोगों का यही नाम आपने घर में रख दिया और यही बोलती है तो आप क्या करें, वैसे ही बुलाना पड़ता है। नाम उनका आप मतलब याद नहीं रह पाता? नहीं नहीं, नाम याद रहता, लेकिन गाँव में लोग कैसे बुलाते हैं। अच्छा जी, वैसे ही नाम लिखे बुलाते हैं। रुको जरा, सबर करो। लेकिन एक सेकंड, तेल जलाने से प्रकृति को क्या फायदा है? है कोई फायदा ना? कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु घी, गाय का, देसी गाय का 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है, इसलिए हवन सामग्री में शुद्ध घी का उपयोग होता है। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो, और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ावा, ESO बढ़ावा, आर इफेक्ट बढ़ावा, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ावा, जितने भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब गौमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रुको जरा,
सबर करो। मेरी माता है गैया के बहिन भैंसिया भेल तो मौसी हो गया भैंसवा मौसा हो गया दादी हो गए बकरिया आ बोकुआ हो गए दादा। जितना देवी देवता भगवान बा सबके सवारी देखिएगा कोनो चूहा पर बैठल बारन कोनो हाथी पर कोनो बाघ पर कोनो चिड़े उल्लू पर बैठल बारन कोनो मूस पर बैठल बारन इहे देवी देवता के सवारी। कोनो देवी देवता का नसीब न भेल हीरो हुंडा एगो मारुति पर तो चढ़ ले ये देवता के सवारी था। हथियार क्या है गरसा फरसा लाठी भाला तीर धनुष राइफल एक छप्पन गाय माता है माता है तो तू अपने कमरे में सुबह उसे उड़ी में नंगी घूम रही है साड़ी बांध उसके सबको माता तू कह रहा है तो माता को ले जाना नाश्ता करवाएगा। देखो दोगला आदमी दो दो माता रख रहा है एक माता को तो कमरे में रख रहा है एक नंगी घूम रही है कूड़ी पे कट्टी खा रही है भैंस का पी रहे तेरी मौसी का पी रहे भैंस का और बकरी का दूध पीना जो तेरी भूपी है। यही नहीं अभी और सुनिए धिकार है थू है ऐसे हिंदुओं पर जो एक तरफ तो गाय को माँ भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। ये बताओ तुम कहते हो मुसलमान अच्छे नहीं होते लेकिन मुसलमान जिसको माता कहेगा क्या उसको कटने देगा? तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं है क्या कोई ईसाई जिसको माता कहेगा उसको कटने देगा उसके मांस का व्यापार करेगा थैली भरेगा उससे? ये तुम हो तुम माने तुम्हारे बीच के ही लोग हैं और उनमें तुम भी सम्मिलित हो क्योंकि तुम भी आंख बंद किए हुए हो अपने आप को हिंदू कहते हो और जिसको माँ कहा जाता है उसके मांस को बेच बेच के व्यापार कर रहे हैं। बहुत मतलब लज्जा आती है अपने आप शर्म आती है कि हम ऐसे ऐसे समाज के आचार्य। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आजन्मा जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इसे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं। अभी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमने एक दिन रावण को फोन मिलाया रात को। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। हमने पूछा रावण से, भाई रावण कैसे हो? Who are you? How are you? उसने कहा हेलो आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बूढ़ा नहीं मानना सर। धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा है हमारे धरती पे, वो रावण से बातचीत उनकी हो रही है। हाँ हाँ भाई लंकापति वाले रावण से वो बता रहे हैं कि वो उनसे बात की अंग्रेजी में वो भी। अच्छा राम जी एक बात, मुझे आपका अंग्रेजी आती है? नहीं। ओह आपके जमाने में थी ही नहीं रामायण काल में? इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री हम लोगों को मूर्ख बना रहा है। चूतिया बनाया तुमको। पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ थूर दक्षिणा लेते हैं। जो कपड़े पहनते हैं जो कपड़े जिसके दियो पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। अच्छा किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते अपना दे देते हैं। देखिए कैसे धर्म के नाम पर चल रहा है धंधा। जिसको बाबा को पगड़ी पहनानी है वो 251,000 रुपए लेकर आए और जो चरण पखारना चाहता है वो 151,000 कैश लेकर आए। यजमान सेवा की चाहत वालों को भी 1,00,000 रुपए चुकाने होंगे तभी कृपा होगी वरना उन्हें भगा दिया जाएगा। अगर कोई चाहता है कि बाबा पर फूल बरसाए जाएं तो 110,000 रुपए के करारे नोट लाने होंगे। कोई माला पहनाने की असरत लिए दरबार में आता है तो 51,000 रुपए लाना जरूरी है। आरती तक करने के लिए 11,000 रुपए का रेट लगाया गया है। संतों की तिलक सेवा के लिए भी 5,100 रुपए देने होंगे।
जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? सत्तन से नमक सूंगला। आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मींस बिस्किट। कोई सेंस है इस बात की? आप भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट खटाखट खटाखट, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे। पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक के ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे। उसके बाद भी कह रहे साहब हम बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। पंडित नेहरू जी के जमाने भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। आजकल का जो लड़का सब है, बच्चा सब है, ये लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन हन ही ले चल जाता है एकदम से। एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आजकल का बच्चा माँ बाप के हाथ से बाहर है एकदम। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने एकदम। इसीलिए हम अपने गांव में रोडवे नहीं बनाए हैं। न रोड रहेगा और न कोई फुर्र से उड़ेगा। मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।